स्वागत है आप सभी लोगों का जेटेक बॉस के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अनोन नंबर से व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं अपने फोन में विदेशी नंबर से, तो वो कैसे चलाना है और उसको कैसे अपने फोन में सेटिंग करना है, उसके बाद पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे कि यहां देख सकते हैं, मैं इस फोन में आपको करके दिखाऊंगा। इस फोन में पहले से एक व्हाट्सएप है, अगर आप चाहेंगे तो इसी व्हाट्सएप में अनोन नंबर से चला सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि इसी फोन में दूसरा व्हाट्सएप डाउनलोड करके और दूसरा दो व्हाट्सएप चलाएं और उनमें अनोन नंबर से यूज करें, वो कैसे करना है वो मैं करके आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है अनोन नंबर से व्हाट्सएप चलाने के लिए, इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि आपको ओटीपी नहीं आता है। जब अनोन नंबर आपको मिलता है और जब आप व्हाट्सएप में डालते हैं तो ओटीपी नहीं आता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, रियल वीडियो है। ओटीपी क्यों नहीं आता है उसको आपको समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बस वीडियो देखा और चले जाते हैं फटाफट अपने मोबाइल में वो सेटिंग करने को, और उनको थोड़ी भी गलती होती है उसके बाद वो ओटीपी नहीं भेजा जाता। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये जो व्हाट्सएप है ये गूगल का ब्रांड है, ये हर चीज पे नजर रखती है। अगर आपकी छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो आपका व्हाट्सएप ओटीपी नहीं आएगा। तो आपको कैसे करना है उसके लिए इस वीडियो को पूरा डिटेल्स देख लेना है, समझ लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं रियल करके दिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको करेंगे तो ओटीपी 101% आएगा। ओटीपी आने के बाद जब आप अपना व्हाट्सएप बनाने जाएंगे वीडियो देखने के बाद, तो अगर आपको कहीं पे भी कोई मिस्टेक दिखे तो मेरी इसी वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आगे का प्रोसीजर पूरा करना। अगर अपनी मर्जी से कोई प्रोसीजर पूरा करते हैं और आपका कुछ भी मिस्टेक होता है तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको वो नंबर नहीं दिया जाएगा और आप अपने फोन में व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे अनोन नंबर से। और जब एक बार बैन कर दिया जाता है जिस फोन को, उसमें दोबारा आप व्हाट्सएप कभी भी नहीं चला पाएंगे अनोन नंबर से, रियल नंबर से आप चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार है जेटेक बॉस पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और आपका कोई सवाल या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके जाइएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड है वो कुछ इस तरह का क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, अनोन नंबर से व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, तो उनको इस वीडियो को शेयर कर। ये दोस्तों, आज मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने फोन में दो व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं। देखिए, पहले ये एक व्हाट्सएप है, अब मैं दूसरा व्हाट्सएप को अनोन नंबर से चालू करके दिखाने वाला हूं कि आप किस तरीके से अनोन नंबर से यूज कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप भी चाहिए और एक अनोन नंबर वाला चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से बताता हूं। आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद एक ऐप है पैरेलल स्पेस, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है। ये ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप है उसको आप डबल ऐप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको इस वीडियो को देखना है। अगर नहीं आपको ये पता है पहले से तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अनोन नंबर से व्हाट्सएप बनाना है वो प्रोसेस देख सकते हैं। तो जैसे वो डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद मैं उसको ओपन करता हूँ पैरेलल स्पेस को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक फ़ोन में दो व्हाट्सएप कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ देखिए पहले से क्रोम ब्राउज़र जीमेल दो हो चुका है, एक मेरे फ़ोन में है वॉलपेपर पे और एक अंदर है। उसके बाद यहाँ देखिए ऐड ऐप लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक मारना। उस पर जैसे क्लिक मारेंगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप होगी, जितनी भी ऐप होगी, सब ऐप को आप डबल कर सकते हैं। यहाँ देखिए टिक मार्क जिसमें लगा दिया जाएगा वो आप डबल कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। तो यहाँ देखिए फेसबुक पे, सॉरी व्हाट्सएप पे टिक मार्क लगा हुआ है, अगर मैं हटा देता हूँ तो ये नहीं बनेगा। अभी टिक मार्क लगा के नीचे एड टू प्ले स्पेस पे लिखा हुआ जो पैरेलल स्पेस, उस पर मैं क्लिक मार दूंगा एक ऐप को। अगर मैं चाहूँ दो को मारना तो यहाँ फेसबुक भी क्लिक मार दूंगा तो दो आ जाएगा, लेकिन मुझे एक ही अभी व्हाट्सएप का करके दिखाना है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता। उसके बाद यहाँ ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद नीचे ऐड प्लस ऐप का ऑप्शन आ गया, अब उसको आपको क्लिक मारना है। जैसे उसको क्लिक मारेंगे तो कुछ परमिशन अलाउ का मांगेगा, तो वो दे देना है जो पैरेलल स्पेस मांगती है ये ऐप। उसके बाद आपको ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा और आपके फ़ोन में उसको ये ओपन कर दिया जाएगा। अब यहाँ से आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं। न्यू अकाउंट बनाने के लिए आपको एक नंबर चाहिए अनोन नंबर, तो वो कैसे करना है अब मैं यहाँ से अनोन नंबर से व्हाट्सएप कैसे बनाना है उसका प्रोसेस बताता हूँ। तो मैं फिर से चलता हूँ प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक और ऐप यूज करना पड़ेगा, उस ऐप का नाम है टिंडॉन, डिंग डोंग,
यहाँ देखिए फ्री फोन कॉल्स दिखा रहा है, ये फ्री है, ये नंबर आपको फ्री मिल सकता है, लेकिन मैं उसके बाद आगे बताऊंगा कि फ्री कैसे बनाना। इस ऐप में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको फ्री का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको आज फ्री करके दिखाने वाला हूँ। इसको मैं डाउनलोड पर लगाया, डाउनलोड करने के बाद इसका साइनअप प्रोसेस जो है उस पर आपको ध्यान देना, वो अगर सही से हो गया तो आप बहुत आसानी से फ्री में बना सकते हैं। अगर साइनअप प्रोसेस सही से नहीं हुआ तो ये जो ऐप है इस ऐप के जरिए आपको OTP नहीं आएगा। अगर आपको OTP आ भी गया और आपने बना लिया व्हाट्सअप अकाउंट, तो उसके बाद एक से दो, दो से तीन दिन में आपको बैंड कर दिया जाएगा, क्योंकि अनलीगल काम आप करेंगे तो इस ऐप के जो डेवलपर है उनको पता चल जाता है कि आप अनलीगल काम कर रहे हैं, तो आपको बैंड कर दिया जाता है 2 से 3 दिन में। और इस तरह का बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मेरा बन गया था और बैंड हो गया था, तो चलिए जब ये सब कर लेंगे तो आपको गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। साइनअप प्रोसेस बता रहा हूँ, वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है और आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद साइन अप पे क्लिक मारना है। यहाँ देखिए मैं आपको एक भी थोड़ा भी स्किप करके नहीं दिखाता हूँ, अच्छे से दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। उसके बाद आपको अलाउ मांग रहा है कि आप फ़ोन अलाउ दे दो, तो अलाउ करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको डिवाइस अलाउ भी मांग रहा है, तो वो भी देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आपका ऊपर एक नंबर आ गया, और तो आप अपना यहाँ एक नंबर सिलेक्ट कर लेना है या फिर ईमेल आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई। अगर आप नंबर सिलेक्ट करते हैं तो आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा। जैसे ही मैंने नंबर सिलेक्ट किया और यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक मारा, तो यहाँ देखिए मुझे बोला जा रहा है कि क्या यही नंबर आपका है जो इस पे मैसेज भेजा जाएगा। ईमेल आईडी भी सिलेक्ट करेंगे तो ईमेल आईडी पे भी एक OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ देखिए मुझे बोल रहा है कि यहाँ वो OTP डालने के लिए जो भेजा गया होगा उसी नंबर पे ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे भेजा जाएगा। तो मुझे एक मैसेज आ गया है, चलिए मैं देखता हूँ कौन सा नंबर है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर ही मैसेज आया हुआ है, यहाँ देखिए कॉपी वेरीफाई कोड जो बोल रहा है, और यहाँ 9156 है, तो मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ या फिर डायरेक्टली डाल सकता हूँ। चलिए मैं इसको डायरेक्टली डाल के दिखाता हूँ, 9156। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा मेरा इस ऐप में। यह रियल तरीका रजिस्ट्रेशन करने का, बहुत लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं अननोन ईमेल आईडी दो, जब अननोन ईमेल आईडी दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा। जैसे ही मैं नंबर डाला उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक मारा, उसके बाद मुझे बोल रहा एग्री करने को, तो हाँ एक्सेप्ट दे देता हूँ। उसके बाद देखिए कुछ परमिशन लिया जा रहा है और मेरा एग्री हो चुका है, और मुझे बोल रहा अलाउ देने को, मैं अलाउ भी दे दिया, एक्टिव हो गया है, एक्टिव नाउ बता रहा है, तो आपका जो ईमेल आईडी होगा वो खुद ब खुद ले लिया जाएगा। मेरा एक्टिव नाउ हो गया है, मैं आगे आया, अब मुझे बोला फिर से अलाउ देने को। जो भी अलाउ मांग रहा है आपको देना ही पड़ेगा परमिशन, क्योंकि आपको अननोन नंबर से व्हाट्सअप चलाना है, तो इस ऐप की जो भी परमिशन है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको नंबर मिलेगा, वो नंबर कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए आपको नीचे जो है ये वर्ल्ड का ऑप्शन जो आ रहा है, इस पर आपको क्लिक मारना है। इस पर जैसे ही क्लिक मारेंगे ये साइनअप प्रोसेस चल रहा है, जैसे क्लिक मारेंगे तो देखिए कुछ इस तरह इंटरफेस खुलेगा। गेट योर फर्स्ट फोन नंबर पूछ रहा है कि आप एक नंबर लेना चाहते हैं, तो हाँ आपको नंबर चाहिए किसी भी देश का, यहाँ लोगो भी दिखा रहा है। उसके बाद फिर से परमिशन अलाउ मांग रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए हर देश का लोगो आ गया है, और इस इतने सारे लिस्ट में किसी भी देश का आप नंबर ले सकते हैं। तो मैं सबसे ऊपर ही जो है जो हॉट में चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है इंडिया में, वो यूनाइटेड स्टेट है, तो उसका मैं नंबर ले लिया। उसका नंबर लेने के बाद अब मुझे ऊपर बोल रहा है कि आप एक कोड डालने को, कोड यूनाइटेड स्टेट का आपको पता कर लेना कौन सा कोड है। 786 भी डालेंगे, वो भी कोड है, और भी बहुत सारा कोड है वहाँ का, तो मैं 786 डालता हूँ। पहले देखिए ये डाल के दिखाता हूँ, ये बोल रहा है कि ये कोड वैलिड नहीं है, तो मुझे अब कोड डालना पड़ेगा 786। आपको भी 786 डाल के ले लेना, क्योंकि इसके जरिए बहुत सारा नंबर मिल जाएगा। जैसे 786 डाला, उसके बाद यहाँ देखिए नंबर का एक लिस्ट खुल गया है, बहुत सारा नंबर दिया गया, इसमें से किसी भी एक नंबर को मैं लेके व्हाट्सअप बना सकता हूँ। तो चलिए मैं दूसरे नंबर का जो नंबर है उसको व्हाट्सअप बनाता हूँ। उसके बाद मिनिमाइज करके जो पैरेलल स्पेस में आया था उसको फिर से ओपन करता हूँ उस ऐप को, और अब मैं उसमें जाके व्हाट्सअप बना के दिखाता हूँ उसी नंबर से कि कैसे फ्री में बनता है। तो यहाँ देखिए अब मुझे बोला एग्री करने को, तो आई एग्री पे क्लिक मारा। जैसे आई एग्री पे क्लिक मारा तो सबसे पहले आपको ऊपर जो है सेलेक्ट करना है कि आपने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया था। जैसे ऊपर क्लिक मारेंगे तो यहाँ देखिए हर स्टेट का लोगो आ जाएगा कि आप कौन से स्टेट का नंबर से बनाना चाहते हैं। तो मैं यूनाइटेड स्टेट से बनाया था, फिर से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ जैसे ही क्लिक मारा तो यहाँ देखिए यूनाइटेड स्टेट यहाँ लिखा हुआ है, पाकिस्तान है, इंडिया है, और भी बहुत जगह है, लेकिन आप यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने जब टिंडन एप्लीकेशन में यूनाइटेड स्टेट का ही नंबर लिया। उसके बाद आपको वो नंबर लेना है, वो नंबर कौन सा लेना है, यहाँ देखिए बहुत सारा नंबर खुला है, तो मैं दूसरे नंबर का जो है वो नंबर ले लेता हूँ। आप देख लेना है यहाँ जो बहुत सारा नंबर दिया गया, इसमें बहुत सारा ऐसा नंबर है जो बंद हो चुका है, वहाँ के देश में बहुत सारा सीमा ऐसा होता है जो बंद हो जाता है, या बहुत सारा नंबर ऐसा भी होगा जो इंडिया में उस पर कोई व्हाट्सअप चलाता होगा और उसको बैंड कर दिया होगा, तो हो सकता है आपको नहीं लिया जाएगा वो नंबर, तो आप अलग अलग नंबर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नंबर चूज़ करेंगे जितने नंबर का वो याद रखना है, तो मैं अभी दूसरे नंबर का ही ले रहा हूँ। दूसरे नंबर का नंबर डालता हूँ, उसके बाद पूरा नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक मारना।
देख लेता हूँ एक बार लास्ट में कि हाँ मैंने सही से नंबर डाला कि नहीं, क्योंकि गलत नंबर होगा तो फिर एक बार भी अगर गलत हो गया तो आपको सही से नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए गलत था, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक मारता हूँ, देखता हूँ कि ये नंबर मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक जैसे ही मारा तो मुझे बड़ा बोल रहा है कि नॉट वैलिड, ये नंबर वैलिड नहीं है, तो मुझे फिर से आप दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कुछ ऐसा सिम है, जैसे आप इंडिया में कोई सिम चलाते हैं वो बंद हो जाता है तो उस नंबर पे ओटीपी नहीं आ सकता, इसी तरीके से बाहर के देश में भी ऐसा है, बहुत सारा नंबर बंद है और बहुत सारा नंबर जो है बैंड कर दिया गया, उस पर व्हाट्सअप नहीं चल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अनलीगल तरीके से यूज करते हैं उसको बैंड कर दिया जाता है, वो नंबर पर दोबारा फिर से व्हाट्सअप चालू नहीं हो सकता है। तो मैं फिर से आप दूसरा नंबर ले रहा हूँ, देखता हूँ ये नंबर सक्सेस लेता है कि नहीं, मैं फिर से देख लेता हूँ। और जो नंबर आपको लेना है जो ये इस लिस्ट में, उस नंबर को आपको याद रखना है, क्योंकि उस नंबर पर अभी कुछ काम आपका बाकी है साइनअप प्रोसेस में। फिर से मैं नेक्स्ट पर क्लिक मारा तो यहाँ देखिए इट इज़ ओके वर्ल्ड बता रहा है कि ये नंबर वैलिड है, आप इस नंबर पर क्लिक मार सकते हैं। तो अब मैं इसे ओके पे क्लिक मारता हूँ। ओके पर जैसे क्लिक मारा तो कुछ सेकंड वेट करने को बोलेगा, अब मुझे बोला कि 1 मिनट 4 सेकंड में आपको एक ओटीपी आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी ओटीपी नहीं आएगा, आपको जल्दी से 1 मिनट 4 सेकंड के अंदर में आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से उस नंबर को एक्टिव करना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ नंबर सेलेक्शन किया है, वो नंबर आपने लिया नहीं है। तो आप उसमें जाना है और जो नंबर आपने सेलेक्ट किया था दूसरे नंबर का नंबर, उस नंबर पर आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक मारना, याद रखना है कि जो नंबर आपने सेलेक्ट व्हाट्सएप में डाला है उसी नंबर पे टिक मार्क करना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक मारना। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक मारेंगे तो कुछ देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद आपको पूछ रहा है, यहाँ बता दिया कि आपका ऊपर नंबर योर नंबर बता रहा है, और इस नंबर को आप फ्री में कैसे लेते हैं, गेट एक्सेस दिस नंबर पूछ रहा है, तो आप कैसे ले सकते हैं, इसका जो चार्ज है वो $4.99 देना पड़ता है, फिर जाके आपको हमेशा के लिए नंबर मिल जाएगा। इस नंबर पे कितना दिन भी आप व्हाट्सएप चलाएंगे तो कभी बैंड नहीं होगा, इस नंबर को बैंड नहीं किया जाएगा। सबसे लीगल तरीका यही है कि आप इस नंबर से जितना दिन भी चाहेंगे, जब इसको खरीद लेंगे, खरीदा कैसे जाता है, गेट एक्सेस पे क्लिक मारेंगे, उसके बाद आपको बोलेगा पेमेंट करने को, ₹250 में ये नंबर आपको मिल जाएगा, और ये नंबर कितने दिन भी आप यूज करेंगे तो आपको बैंड नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको फ्री में लेना चाहते हैं तो फ्री में लेने के लिए आपको क्रेडिट जमा करना पड़ेगा, जो कि क्रेडिट यहाँ कैसे मिलता है, कॉलिंग पे अगर बात करेंगे, इस ऐप को ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा, क्रेडिट पॉइंट मिलता है, और अगर आप इस ऐप को अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करेंगे तो यहाँ देखिए 200 क्रेडिट मिलेगा तो ₹400 हो जाएगा, अगर 400 क्रेडिट मिलेगा तो ₹800 हो जाएगा, इस तरीके से आप क्रेडिट जमा कर सकते हैं। अभी आपके जब आप साइनअप किए हैं तो 10 क्रेडिट दिया गया है, और ये 200 क्रेडिट में आपको बहुत आसानी से ये नंबर मिल सकता है, तो आप कॉलिंग करके भी क्रेडिट जमा कर सकते हैं और इसी तरीके से लीगल तरीके से बना सकते हैं। अगर आप अनलीगल करते हैं तो 2 से 3 दिन में फिर से बैंड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।